हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों में से ही कुछ लोगों से मैंने बात किया है और बहुत दुख हुआ सुनकर, क्योंकि क्या बताऊं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बाल चले गए तो उन लोगों का ना आना जाना, बाहर आना जाना वो बंद कर दिए हैं, लोगों के पास उठना बैठना बंद कर दिए हैं, अपने रिलेटिव के पास जाना बंद कर दिए। यहाँ तक कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों से बात की कि वो लोग सुसाइड करना चाहते हैं। तो आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि लाइफ में बाल का इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना आप इसे दे रहे हो, और ये चीज़ आपको आपके स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है। तो आपको इससे कैसे दूर करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपके लाइफ में आप जितना ध्यान आपके बालों को दे रहे हो उतना देने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बता दूँ कि आपके लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि सपोज़ करो बारिश अगर हो रही है, बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि हम सब परेशान हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें उसे झेलना ही पड़ेगा क्योंकि इस पर हमारा बस नहीं है, हम इसे रोक नहीं सकते हैं, तो उसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से हमें भी हमारा बाल जा रहा है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना है। और इसके और भी बहुत सारे रास्ते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके बाल जा रहे हैं तो आपके खूबसूरती में कमियां आ रही है, तो आप ये कर लो ना, हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। अगर दवाई असर नहीं कर रहा है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, अगर वो भी नहीं करा सकते तो फिर वीक आते हैं आप वीक लगा लो, डुप्लीकेट जो बाल आते हैं वो लगा लो। आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल करो, पर स्ट्रेस को मत इंक्रीज़ करो, आप इन चीज़ों को ध्यान रखो। और दूसरी बात ये बता दूं कि आपके बाल कितना इंपॉर्टेंट लगते हैं। आप ना लाइफ में किसी सक्सेस को अचीव कर लेते हो, मतलब किसी फील्ड में अच्छा काम करते हो, आपके पास पैसा होता है, आप अच्छा लेवल पे चले जाते हो अपने लाइफ में, तो लोग आपके उस चीज़ से आपको जज करेंगे, न कि आपके बालों से या आपके शरीर में किसी तरह का कोई कमी हो तो उससे जज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ पाँव नहीं है और वो लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं और उनके ऑटोग्राफ के लिए लोग तरसते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो उनके हाथ पांव इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके पास नहीं है तो भी लोग उसे इतना पसंद करते। तो हमारे पास बाल ही नहीं है भाई, पूरी बॉडी सही सलामत है, बाल नहीं है तो हम उनसे तो बेहतर है ना। तो ऐसा ही सोचना है कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, न कि एक एक चीज़ के जाने से हम खुद को इतना डीमोटिवेट करें और सैड फील करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक और बात बता दूं कि बाल को लेकर लोगों का क्या सोचना है कि लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, मतलब हम बाहर जाते हैं तो लोग हमें जज करते हैं, हमारा लुक मैटर करता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो रिलेटिव है जिनके पास आप उठते बैठते हो या उनसे बात करते हो, जिनके पास आप समय देते हो और वो भी आपको समय देते हैं, वो लोग आपके बाल से या आपके चेहरे से आपको जज नहीं करते, वो आपके बिहेवियर से आपको जज करते हैं कि आप उनके सामने कैसे बने रहते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके बोलने का अंदाज़, आपके चलने का अंदाज़, आपके समझने का अंदाज, ये सारी चीज़ें मैटर करता है। आपका लुक जो है, आपका हेयर स्टाइल है, वो मैटर नहीं करता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लवर्स हैं जिन्हें आप देखोगे ना, उनका ना आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, ना चेहरा मैच कर रहा है ना बॉडी मैच कर रहा है, फिर भी वो लोग साथ है। क्यों साथ है, तो उन लोगों के बीच प्यार कैसे बना हुआ है, तो उसका कारण यही है कि उन लोगों के बीच में बॉन्डिंग है, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग है। इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें मायने रखता है, ना कि आपका लुक मैटर। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इंप्रेशन बनाते हैं, मतलब हम कहीं जा रहे हैं तो ड्रेसअप होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं और फिर चलते हैं। हाँ, तो उस टाइम में जब हम जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, रास्ते में मिलते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, तो उसके सामने किस बात की इंप्रेशन, और वो लोग आपको इंप्रेशन, वो जो आपको जज करते हैं तो वो आपके चेहरे से जज करते हैं। तो यहाँ पे आपको लगता है कि आपके बाल मैटर करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास आपका चेहरा जो है फेस शेप अगर अच्छा नहीं है तो लोग आपको वैसे भी पसंद नहीं करेंगे, अगर आपका चेहरा अच्छा है तो आपको बिना बाल के भी ना आप अच्छे दिखोगे। अच्छा एक बात बताओ, कमेंट करके बताना, मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, मैंने गंजा करा लिया। तो ऐसा ही है भाई, बहुत से लोग ऐसे हैं, जब भी जो उसको देख लो वो गंजा है, वो अच्छा नहीं दिखता है, उसके बाल तो नहीं है मज़ उनके जो फाउंडर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लाइफ में ना आपके जो चाहने वाले, जिसके साथ आपका उठना बैठना होता है ना, वो आपके बिहेवियर से आपको जज करते हैं, और जो लोग अननोन, जिसे हम जानते ही नहीं है ना, वो हमारे चेहरे से हमें जज करता है, नहीं कि हमारे हेयर स्टाइल से जज करता है, हमारा चेहरे का फेस का जो कटिंग है ना, उसी से जज करता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना यही कहना है कि आप ना स्ट्रेस बिल्कुल मत करो, बढ़ाओ अपनी अपना, क्योंकि आपका जो बाल है वो आप चाहोगे तो वो आने वाला तो है नहीं,
रब ने आपको जैसा बनाया है आप वैसे ही रहोगे। हाँ आप कोशिश करते रहो, आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो भी आपके पास बहुत ऑप्शन है, मैंने बताया वीक ले लो या हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, इतना अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। पर टेंशन मत लो, और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।